शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या कर रहे हो? मैं प्यार के नाम कुर्बान होने जा रहा हूँ। बेटा, तुम सचमुच एक महान काम करने जा रहे हो। हमारा घराना अमर हो जाएगा। लेकिन इस दीवार में चुना जाना ये थर्ड क्लास तरीका है। कोई अच्छा जरिया तो निकाला होता। नहीं, मैं अपने आप को जिंदा चुनवा दूंगा। ये कुछ आखिरी ईंटें आपके सामने पड़ी हैं। मेरे एक इशारे पर ये चुन दी जाएंगी और मेरी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हे मेरे बनने वाले प्यारे बेटे, एक आखिरी मौका दो और ये बको, तुम किसके नाम कुर्बान हो रहे हो? मालती के नाम। राम साथे, तो फिर आखिरी ईद मैं खुद रखूंगा। आपको फांसी हो जाएगी, मैं घूस देकर बच निकलूंगा। सुनिए, अपने बेटे की हत्या मत कीजिए। मैंने जिंदगी में हर आनंद उठाया है, लेकिन हत्या करने का आनंद नहीं उठाया। इसे कहते हैं स्वर्गीय आनंद। चलो शमशान घाट चलने की तैयारी करें। क्या आप पाप ऐसा है? श्रीकांत, पूरे 20 तोले हैं, समझ गए ना? समझ गया चाची, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमारा शिकार आ रहा है, भागो जल्दी। भागो। अरे आए हैं जान देने वाले। मैं भी बाप नहीं हूँ, हिटलर हूँ। कल मरते हो तो आज ही मरो। ये क्या? तराजू, सोना। ए लक्ष्मी, किसी दुश्मन ने हमें फंसाने के लिए हमारे घर में चोरी का सोना रखा है। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, यह सोना चोरी का नहीं, सीना जोरी का सोना है। मिस्टर चौधरी, श्रीकांत क्या बक रहे हो? जिंदगी में पहली बार मुझे फरमाने का मौका मिला, इसलिए मैं पत्नी राव में फरमा रहा हूँ। ठीक है, फरमाइए। मिस्टर चौधरी, दोनों आंखें फाड़ के देखिए, चश्मा उतार के देखिए, और चाहे तो किसी चोरी से भी दिखवा लीजिए, ये सोना एकदम असली है। मैं अंधा नहीं हूँ, ये असली है, मगर किस लिए है? और मिस्टर चौधरी, आपने मेरी दीदी को इस घर की बहू बनाने के लिए 20 तोला सोना मांगा था ना? ये रहा 20 तोला सोना। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए, वरना मैं समझूंगा कि आप एक झूठे और मक्कार इंसान हैं। काश कि ये थप्पड़ तुमने मुझे उस वक्त मारा होता जब मैंने 20 तोले की मजाक की थी। आज ये सोना दिखाकर तुमने मुझे 30,000 थप्पड़ मारे हैं। मैंने मजाक किया था, मजाक। मेरे बेटे अमित, जिसे गांव की लड़कियों से नफरत है, उसने इस मजाक के बेहरा चेक को कैश कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। आओ आओ मेरे साथ। आओ, ये देखो सेवर, ये देखो रुपए। जो डाकू के जमाने में मैं इकलौता लक्ष्मीपति हूँ, तो 4-5 लाख कैश रखता है हमेशा घर में। 4-5 लाख सब किसका है? मेरे बेटे का, मेरी बहू का, बहू रानी का। असली सोना इस घर की असली संपदा, सच्ची शांति सुख मेरी बहू है। मुझे सिर्फ बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे सुनते हो, गजब हो गया, माधुरी की चिट्ठी आई है, बहुत ही अशुभ समाचार है। पढ़ू? जो बात पूछने की कोई जरूरत नहीं, वही तुम पूछती हो। पढ़ो। नारी को भेड़ बकरी पैर की जूती और बिकाऊ चीज समझने वालों को नमस्कार। 20 तोले सोना भिजवा रही हूँ, इससे शहद लगाकर सब लोग चाटो। मैं आज की नारी हूँ, अपने कदमों पर खड़ी हो रही हूँ, अपने फैसले खुद कर रही हूँ, और मेरा आखिरी फैसला ये है
कि चूल्हे में जाए ऐसा थकलास पति और भाड़ में जाए लालची ससुरा। मैं तो बिना तलाक के दूसरी शादी कर रही हूँ आपकी सौभाग्यशाली माधुरी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने नहीं दूंगा। श्रीकांत, श्रीकांत, तू ऐसा होने मत दो। मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। श्रीकांत, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चौधरी साहब, आप मुझे पाप में डाल रहे हैं। पापी तो मैं हूँ श्रीकांत, मजाक करना भी एक तरह का पाप है, पापी मैं हूँ। फिर भी बहुरानी से कहना कि मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो श्रीकांत। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिंदगी में अब कभी मजाक नहीं करूंगा। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया है, अब आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। चाचा जी, कल दीपावली के दिए तब चलेंगे जब आपकी बहू रानी इस घर में आ जाएगी। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। चले लगे सज रही होगी, शर्मा रही होगी। ये बारात वाली शादी नहीं है, रजिस्टर वाली शादी है। लेकिन हया, संकोच, शर्म तो वही रहते हैं ना। परमा, शर्मा शर्मी कहीं आज की तारीख ना निकल जाए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरा दिल कह रहा है वो जरूर आएगी, शायद फूलों की वरमाला खरीदने में देर हो गई। अरे माँ, मैंने उसे कह दिया था कि मुझे ढोकसली पसंद नहीं है, अगर पुराने तरीके से शादी करनी थी तो ये नए तरीके से लव मैरिज क्यों करता। नहीं मैरिज, यहाँ किसी को पता नहीं कि तुम्हारी शादी पहले भी हो चुकी है। आज तुम वहां क्या कर रही हो? माँ, मेरी बायां तूफान में की तरह फड़क रही हैं। लगता है कोई बहुत भयंकर घटना घटने वाली है। बेटा, शुभ घड़ी में ऐसे अशुभ बातें नहीं करते। वो देखो आ गई। मालती, ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी मांग में सिंदूर, सिंदूर तो मैं लाया था। ओ, तो यही मालती है। बहू, तुम्हारी यहाँ शादी से पहले सिंदूर लगाने का रिवाज है। मालती, ये सब क्या है? सिंदूर, एक शादीशुदा औरत का सुहाग चिन्ह। देखो मालती, मजाक छोड़ो, मामला क्या है? तुम तो मेरा हार्ट अटैक करवा दोगी। हार्ट अटैक तो आपको उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन आपके गांव के भोली भाली लड़की को सिंदूर लग जाने के बाद बिना दवा छोड़कर चले आए थे। अगर आपके पास दिल नाम की कोई चीज होती तो अटैक उसी दिन हो जाता जिस दिन आपने मुझसे अपनी शादी के बाद छुपाकर मुझसे इश्क का नाटक रचाया। अमित, हाय, बहू को तो पिछली सब बातें मालूम है, अब क्या होगा? चुप रहो, चुप चुप। माँ जी, आप कैसी माँ है, एक बहू के जिंदा होते हुए अपनी बेटी की दूसरी शादी में गवाही देने आई हैं। आप क्या बताऊं बहू, अपने बेटे के मोहब्बत में अंधी हो गई हूँ। मिस्टर अमित चौधरी, नाटक आपने भी रचाया, नाटक मैंने भी रचाया। शादीशुदा आप भी हैं, शादीशुदा मैं भी हूँ।
अगर शादीशुदा होकर आपको इश्क करने का हक है तो मुझे भी है। ये तो सच है अमित। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। आशीर्वाद दीजिए कि पति परमेश्वर के यहाँ मेरा गृह प्रवेश मंगलमय हो। सुधा सुखी रहो। बेटा आप ऐसे तरह का बच्चा है। हम लोग आज दिवाली के दिन माधुरी को विदा करा लाए। नंबर दो वाली बहू तो दांव देगी, अब ले देकर नंबर एक वाली बहू बची है। बेटा आजकल लड़कियों में बड़ा इंकलाब आया है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाली भी किसी और के नाम का सिंदूर लगा ले।